हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू कैसे हो आप मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों। तो हम लोग के बीच आ चुका है यार एक न्यू चैलेंज, जो कि भाई 6 सेकंड में आने वाला है। फिलहाल मैं ये लाइव अटैक करके आप लोग को दिखाने वाला हूँ। और गाइज, आई होप आप लोग को यार ये वीडियो अच्छा लगे। एंड यार वेरी 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 सॉरी गाइज, मैं बहुत दिन से स्ट्रीमिंग नहीं आ रहा हूँ, थोड़ी परेशानी चल रही है, उसको मैं लाइव पर आके समझाऊंगा। फिलहाल यार हम लोग के बीच चैलेंज आ चुका है, जो कि क्यून चैलेंज। इस चैलेंज को पहले हम लोग देखते हैं पहले बेस चलकर। तो भाई बेस तो यार कसम से बता रहा हूँ यार, मेरे प्यारे दोस्तों बिलव्स फैमिली, ऑल बिलव्स फैमिली सभी को यार रियली बता रहा हूँ, चूतर फाड़ बेस है। तो इस बेस पे यार कैसे करेंगे 3 स्टार, मजाक नहीं यार, बहुत टफ बेस है। एंड रियली इस बेस को यार 3 स्टार करना बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि यार गाइस हम लोग के बीच यार देख रहे हो यार 5 हीलर क्वीन एंड सीज मशीन भी ऐसा मिला है भाई, कोई मतलब ही नहीं बनता। 1 हॉक राइडर मिला है, 1 वल्केरी मिली है, मतलब आई थिंक यार इस बेस में ना यार, सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, इसमें देखो हॉक राइडर दिया है सीसी को बाहर निकालने के लिए, वल्केरी दिया है ट्रैप को मारने के लिए, मतलब ट्रैप इसमें बहुत सारे, वो छोटे छोटे स्केल्टन होते हैं ना वो बहुत सारे हैं। तो बोलते हैं उस चीज़ पे हल्ला बोल, और क्या ही इसी का कारण है। बाकी यार लून किस लिए होगा, हिडन टेस्ला को आई थिंक मारने के लिए, क्योंकि यार देखो डिफेंस और ये सिंगल इन्फानो इन सबको तो पहुंच ही नहीं पाएगा वहां तक लून। तो आई थिंक यार ये हिडन टेस्ला कहीं ना कहीं छिपा पड़ा है, जबकि भाई छिपा का चारों कॉर्नर पे ही होना चाहिए, एटलीस्ट वही जगह खाली दिख रहा है। सो देखते हैं चलो गेम में एंटर अटैक कर। तो पहले यार सबसे पहले हम लोग जो गोब्लिन है ना, उस गोब्लिन से हम लोग सारे ट्रैप चेक करेंगे कहाँ कहाँ पर है। देखो यार गोब्लिन तो गायब होता है कुछ क्षण के लिए, बट यार मैं छोड़ूंगा चारों कोना से। तो भाई देखो ये बाबा, ये भाई टोनेडर है, देखा भाई चारों कोने पे टोनेडर है। तो गाइस यार बहुत ही खतरनाक, एंड उसी के साथ भाई मिनी देख रहे हो छोटे छोटे स्केल्टन भी हैं। तो के ट्रैप तो निकल चुके हैं अभी गाइस, यार कुछ नहीं करना, एक गो बस हॉक राइडर लेकर ये 14 जहां लिखा है वहां से छोड़ देना, ताकि सीसी बाहर निकल जाए। और भाई साथ ही साथ निकलने के बाद अब गोब्लिन को सॉरी वल्केरी को छोड़ देता हूं। एंड वल्केरी को छोड़ने के बाद यार गाइस वहां पे पॉइजन डाल दिया, एक एक लून छोड़ देता हूं, ठीक है। अबे भाई ये क्या है, ओ भाई रे भाई, दो दो भाई, चलो भाई कोई नहीं, एक छोड़ देता और ये भाई हिडन टेस्ला तोड़ देगा, बचेगा एक ही लून। यार एक लून में नहीं बर्बाद करने वाला, क्योंकि यार मैं क्वीन चार्ज करूंगा, क्वीन में पता नहीं कहाँ कब यार समझ सकते हो यार एयर स्वीपर मतलब निकल जाए ना तो भाई दिक्कत हो जाएगी। तो मैं एक रखूँगा और उसको मैं छोड़ूंगा बीच में, ताकि भाई वहाँ पर कहीं हो तो दिक्कत हो। फिलहाल मैं एक रेंज डाल देता हूँ, क्वीन को एबिलिटी मिलती रहे, ठीक है। और गाइज यार ऊपर से मैं इधर से 3 o'clock से अपनी सीज मशीन डालूंगा। भाई लो भाई वहाँ का ट्रैप निकले ही नहीं, तो भाई इसके यार अटैक सड़ेगी क्या, एटलीस्ट सड़ेगी नहीं, भाग गए सब। चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, क्वीन अच्छी जा रही है, क्वीन के पास अपने पास 2 रेंज है, रेंज डाल देता हूँ। एंड सिंगल इन्फानो पकड़ रहा है भाई, इनविजिबल डालूँ एंड ठीक है। चलो अच्छा काम कर रहे हैं, अभी काम अच्छा कर रहे हैं फिलहाल, अब बहुत अच्छे से अपनी ट्रूप सब कुछ जा रही है भाई। देखो तो मैंने कोई आइडिया भी नहीं निकाला भाई, सीधा भी अटैक पे घुस रहा हूँ। एंड यहाँ से क्वीन को मैंने फाइनली ले लिया अच्छे खासा भाई, अपनी सीसी में भी अपने भाई, ये क्या था यार, आइस गोलम, व्हाट हैपेंड भाई, बट कोई नहीं। एंड चलो यहाँ पे हम लोग स्केल्टन डाल दिया भाई, स्केल्टन देख ही रहे हो जहाँ पे डाला वहाँ डाल देना स्केल्टन, ताकि ये क्वीन को टेक और ये इन्फानो की तरफ थोड़ा सा मतलब उन सब का ध्यान भटकाया रहा है। फिलहाल मेरे पास 1 रेंज है, 3 फ्रीज है, 1 इनविजिबल, तो इनविजिबल का बस यूज करूँगा, और रेंज का ये 2 फ्रीज बचा के रखूँगा अभी भाई। इनविजिबल किया क्योंकि यार ये ना मार रहा था सारे के सारे अपने हीलर को यार, टीएच सारे के सारे। फिलहाल अपने पास 3 फ्रीज है, 3 फ्रीज बचा के रखेंगे, अब भी यूज नहीं करेंगे हम लोग, इनफानों पर यूज करने वाले हैं तो एग्जैक्ट। एंड ये तोड़ने के बाद मैं फ्रीज गिराऊंगा इसके ऊपर, ठीक है, अभी मुझे फ्रीज गिराना चाहिए। ओके नाइस, अभी मेरा जाइंट भी आ चुका है, और जाइंट मैंने ऊपर से छोड़ा था 12 o'clock से, और भाई गोब्लिन भी अपना अच्छा खासा काम कर रही है। फिलहाल मुझे लग रहा है 3 स्टार हो जाएगा यार, एटलीस्ट हो जाएगा, एबिलिटी है अपने पास। भाई साहब फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने 3 स्टार करूंगा यार, रियली बता रहा हूँ, फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं 3 स्टार करूंगा इस चैलेंज को। एंड आप लोग के सामने यार, ओ माय गॉड, मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट पे भाई इसको 3 स्टार निकाला। फिलहाल यार एक वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ यार प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
क्योंकि गाइज आपका ब्लॉग बहुत जल्द आने वाला है एंड लाइव स्ट्रीम पे भी, और क्योंकि यार थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है आप लोग जान ही रहे हो, बताऊंगा लाइव स्ट्रीम पे। सो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड शेयर करके वीडियो को शेयर कर देना यार जितना ज़्यादा हो सके। और हाँ गाइज यार आप लोग को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं एंड हैप्पी 15 अगस्त भाई, मुबारक हो आपको। एंड इस दिन का बहुत ही अपने भारत का सम्मानित चीज़ है, तो इसको प्लीज़ यार दिल से मनाइएगा और लोगों के बीच रह के मनाइएगा। सो लव यू एंड थैंक यू सो मच। आप सब आए बाहर आए धोती फाड़ रुमाल है। सो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, बाय बाय।